साथियों नमस्कार। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद बलिया में और बलिया के गौरीटार में है। गौरीटार के ग्राम पंचायत देवरिया में मैं इस समय उपस्थित हूं। हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं, ये लोग जो है इसी ग्राम सभा के हैं और हमारे साथ जो खड़े हैं वो इसी ग्राम सभा के मुखिया हैं। ग्राम प्रधान जो है प्रथम व्यक्ति होता है किसी गांव का, और हमारे साथ हैं और विकास परियोजनाएं तमाम आती हैं, लेकिन एक यही बगल में है, इसी ग्राम सभा में सटा हुआ, इसी ग्राम सभा की जमीन है, 5 बीघे, उस पर एक निर्माण कार्य हो रहा है। सरकारी जल जो है जल निगम का है, ये एक सतही जल परियोजना के तहत वहाँ पर एक निर्माण हो रहा है। बहुत बड़ा टंकी बनेगा, वहाँ से जो है नदी है, कौन सी नदी है यहाँ पे, घाघरा नदी से पानी आएगा और वहाँ पर फिल्टर होके तमाम गाँव को सप्लाई होगा। लेकिन उसके विरोध में ये हमारे जो साथ ग्राम प्रधान हैं ये खड़े हुए हैं। ये पेपर मेरे हाथों में है 24 तारीख का, और इसमें निकला हुआ है कि 6 महीने में बनकर तैयार होगा पानी टंकी, लेकिन ग्राम पंचायत के बगैर प्रस्ताव के हो रहा निर्माण कार्य और विरोध कर रहे हैं ग्राम प्रधान। इन्होंने बकायदा डीएम साहब को इन्होंने पूरा ये लिखा है पत्र, ये पूरा इन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है कि जो है ये जो कार्य निर्माण कार्य चल रहा है उसको रोका जाना चाहिए। क्या मामला है, सारा कुछ इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रधान जी थोड़ा नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम चंद्र प्रताप है, मैं ग्राम प्रधान देवरिया विकासखंड नगरा जिला बलिया का मैं निवासी हूं। और इस चैनल को जितने लोग देख रहे हैं मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रधान जी, कोई विकास कार्य हो रहा है इतना बड़ा आपके गाँव में, फिर आप क्यों रोक रहे हैं उसको? देखिए, कारण ये है कि हमारे जितने भी पूर्व प्रधान रहे हैं उस जमीन को सुरक्षित करके रखे थे 5 बीघा। अच्छा। अब 5 बीघा जमीन मेरी इक्वायर हो गई, इंफ्रा कंपनी ने जो है इक्वायर कर लिया है। अब बताइए, हमको पंचायत भवन बनवाना है, विवाह भवन बनवाना है, जो मजदूरी करके अपनी जो जीविका चलाते हैं उसको कल आवास आएगा तो हम कहाँ से जमीन दे पाएंगे, मेरी पंचायत भवन कहाँ बनेगी, इसके अतिरिक्त मेरे यहाँ कोई जमीनें नहीं है, तो ये तो लाजमी है मेरा विरोध करना। तो इसी संदर्भ में मैं जिला अधिकारी महोदय के हमारे जितने मेंबर्स थे या मैं सारे लोग शपथ पत्र दे करके मैं इस काम को रुकवाने के लिए मैंने निवेदन किया है जिलाधिकारी महोदय। प्रधान जी, आप गांव के मालिक हैं, प्रथम व्यक्ति कहा जाता है ग्राम प्रधान को, आपको बिना बताए ही, बिना आपको पता चले ही वहां पे काम हो रहा है? बिल्कुल, अगर जो हमको पता चला होता तो निश्चित रूप से भूमि प्रबंधन समिति की कार्रवाई होती और उसे भूमि प्रबंधन समिति से अनुमति लेकर के मैं दे दिया होता, और वो भी मैं 5 बीघा नहीं दिया होता, मैं 2 बीघे 1 बीघे की जरूरत होती तो मैं दे दिया होता। 5 बीघा अगर जो हम दे देंगे तो फिर हमारा ये भवन कहां से बन पाएगा, हम कहां से जमीन और लोगों को दे पाएंगे? अच्छा, आपको बिना बताए वहां पे जमीन आवंटित? बिल्कुल, निखबाल साहब आए थे, अब आकर के उन्होंने एक्वायर कर लिया था। ठेकेदार मुझसे केवल कहा था कि प्रधान जी हमको 5 बीघे जमीन दे दीजिए, मैंने कहा था कि नहीं, हम 5 बीघा जमीन नहीं दे पाएंगे। लेखपाल साहब भी आए होंगे, नापे होंगे तो आपको बताए होंगे ना? हमको केवल इतना ही जानकारी दी गई थी कि यहाँ जल विभाग द्वारा वो टंकी बनाया जाएगा, इसमें प्रधान जी जमीन की जरूरत है, तो मैंने कहा कि नहीं, इतना जमीन जब वो हमसे पटल पर जब बात किए कि इतना 5 बीघे जमीन की जरूरत है, तो मैंने कहा, उसी समय मैंने इसका विरोध कर दिया था कि हमारे संज्ञान में था, लेकिन मैंने ही कहा था कि 5 बीघे हम आपको जमीन नहीं दे पाएंगे। हमारे यहाँ भी ठेकेदार गए थे, उन्होंने कहा कि प्रधान जी हमको 5 बीघे की जरूरत है, मैंने उस दिन भी निवेदन और प्रार्थना किया था कि हम 5 बीघा जमीन नहीं दे पाएंगे, मेरे पास जमीन ही नहीं है। 5 बीघा के अलावा कोई जमीन है आपके गांव? जी नहीं, मेरे पास कोई जमीन नहीं है। ग्राम पंचायत जो बनता है हर गांव में, ग्राम पंचायत सचिवालय वो बना है आपके गांव? ना, मेरे यहाँ बहुत पहले एक व्यक्तिगत आदमी के जमीन में ही बना है, जो राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री हुई थी, उसी मतलब में उसकी सचिवालय की भी जरूरत है। हाँ, सचिवालय की भी जरूरत है, तो मैंने आज वर्तमान खेलकूद का मैदान तमाम गांव में छूट रहा है। नहीं, मेरे पास वही खेल का मैदान भी था। अच्छा, जो कुछ है वही 5 बीघा मेरे पास था। अच्छा। दूसरा कोई जमीने नहीं है, मैं भाड़े पर किराए पर जो है लेकर के अपने पंचायत का सारा काम मैं कराता हूँ, जबकि मैं किराया देता हूँ प्राइवेट रूम में लेकर के। मैंने डीएम साहब को, सीडीओ साहब को और डीपीआरओ साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दे करके मैंने निवेदन भी किया है कि मेरे यहाँ पंचायत भवन बनवाया जाए। जी, तो पंचायत भवन के लिए जमीन आप कहाँ देते हैं? देते वही मेरे पास जमीन है। अच्छा, वही मेरे पास, वही मेरे पास जमीन है, मैं वही देता। अच्छा। और वहीं पर मेरा बनता भी, दूसरी कोई मेरे पास जमीनें नहीं है।
जो मेरे यहाँ पूर्व में जो पंचायत भवन जो बना है बिल्कुल जर्जर हो गया है, दूसरे की जमीन में एक रुपए के रजिस्ट्री उसमें अब कुछ काम होता नहीं, ना कुछ काम नहीं होता है जर्जर की व्यवस्था में। सचिवालय तो हर गांव में बताया जाता है कि बन गया है, काम चल रहा है, तो आप काम कहाँ करते हैं? ना मैं प्राइवेट, वही तो मैंने आपको पहले भी मैंने बता चुका है। अच्छा। कि मैं प्राइवेट रूम लेकर के मैं अपना जो है सारा पंचायत का काम मैं वहीं से निपटा रहा हूँ। प्राइवेट रूम में कर? हाँ, प्राइवेट रूम लेकर के मैं पंचायत भवन का सारा मैं काम निपटाता हूँ वहीं से जी। तो अभी जब आप ये जो चीजें हैं ये आप जो है लिखित कार्रवाई करवान किए, आप ले गए, ये दिए हैं जिलाधिकारी महोदय को, तो उन्होंने क्या आश्वासन, कुछ उनसे बात हो पाई? नहीं, जिलाधिकारी महोदय से हमसे बात नहीं हो पाई। मैं वहाँ गया था और हमारे जितने मेंबर्स थे सारे लोग गए थे वहाँ। जाने के बाद हम लोग डीएम कार्यालय में गए और जा करके रिसीव करा करके हम लोग चले आए। सीडीओ साहब के यहाँ गए थे लेकिन सीडीओ साहब से हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो मैंने वहाँ भी रिसीव करा करके हम लोग पुनः वापस आ गए जी। काम तो वहाँ पर युद्ध स्तर के तौर पर चल रहा है, अभी 6 महीने में वो पूरा भी हो जाएगा, बाउंड्री वाल वगैरह भी हो जाएगा, पूरा 5 बीघा आपका घिर जाएगा, और अभी आप केवल कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है रुक जाएगा वो? चलिए, हम तो जिलाधिकारी महोदय को मैंने तो दिया है कि इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है कि निश्चित रूप से रुकेगा, इसलिए कि डीएम साहब के संज्ञान में है कि भाई वहाँ अवैध तरीके से काम हो रहा है। मैंने ये लिख करके दिया है, शपथ पत्र पर भी मैंने लिख करके दिया है कि इस काम को रुकवाने की कृपा की जाए। आप अवैध तरीके से कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने ही वो जमीन आवंटित की होगी तभी तो हो रहा है ना? कारण ये है कि नहीं, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी है तो ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव तो है नहीं, भूमि प्रबंधन समिति का कोई प्रस्ताव तो है नहीं, मैंने उस संदर्भ में कोई वो मोहर दस्तखत कहीं हमने नहीं किया है, ना हमसे अनुमति ली गई है, इसलिए अवैध तरीके से है वो। ठीक है, हमारे एसडीएम साहब दिए हैं। अच्छा, तो वो वहाँ पे अगर पानी टंकी बन जाती है तो आपके गांव को भी तो सप्लाई होगी? नहीं, तो हम उतना जमीन दे करके अपने गांव के लिए कहे लिए पूरी जमीन फंसा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो 5 बीघा हम जमीन दे रहे हैं नगरा में, क्यों नहीं टंकी बैठा करके निर्माण कार्य कराए हैं? अब हम इतना जमीन, सारी जमीन हम दे देंगे तो आज हमारे तमाम जरूरत की चीजें हम कहाँ बनवाएंगे, कहाँ से जमीन हम लेंगे, कौन हमको जमीन देगा? सबसे बड़ी बात है कि इनके गांव में जो जमीन है वही 5 बीघा थी और उसी 5 बीघा पर इतना बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है, हालांकि वो सरकारी ही है लेकिन उससे ये संतुष्ट नहीं है। इनका मानना है कि हमारे गांव के लिए जो ग्राम पंचायत सचिवालय बनता है, तमाम सारी सुविधाएं आती है, बारात घर बनता है, और कुछ लोग होंगे जो भूमिहीन होंगे उनको आवास अगर हम आवंटित करवाना है तो ये सोचे थे कि वहीं पर करवा देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जो है उस जमीन पर बहुत बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है और वहाँ पर जो है पानी टंकी बनेगी, रिफाइनरी, वहाँ पर रिफाइनरी लगेगी, रिफाइन होगा पानी, इसके बाद जो है कई गांवों को सप्लाई होगा, लेकिन उससे ये संतुष्ट नहीं है। इनका मानना है कि वो काम रुकना चाहिए, लेकिन काम तो बहुत तेजी गति से चल रहा है जी। हाँ, काम बड़ा तेजी गति से चल रहा है। मैंने तो जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि इस कार्य को रुकवाएं, इसलिए कि हमारे यहाँ गरीब जितने लोग हैं उन लोगों को उससे भला हो सके। अच्छा जी, चलिए, और आप क्या चाहते हैं, आप भी इसी गांव के? हाँ, हम भी चाहते हैं कि वो रुक जाए काम। अच्छा, गरीब यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये लोग उन्हें तो बहुत देखे होंगे प्रधानी, और बहुत लोग यहाँ पर न जाने कितने प्रधानों को ये लोग देखे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप तो बहुत ज्यादा दिन होगा, आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है, तो गांव में और भी जमीनें हैं कि वही जमीन? नहीं, गांव में बिल्कुल और कोई जमीन नहीं है, वही 5 बीघा जमीन थी। अच्छा, जो बची हुई थी। तो पानी की टंकी लग रही, उससे आपको भी फायदा होगा? नहीं, कोई फायदा नहीं है गोरीटार को उससे। अच्छा। पानी की टंकी बढ़ती, छोटी टंकी बढ़ती तो 1 बीघे में चाहे 1.5 बीघे में। अच्छा। वो टंकी आराम से बढ़ जाती, मतलब आपको, आप भी संतुष्ट नहीं है वो काम से? पूरा गाँव संतुष्ट नहीं है, हम ही नहीं, पूरा गाँव नहीं संतुष्ट है कि वहाँ टंकी बननी चाहिए। अच्छा, विरोध कर रहे हैं? हाँ, पूरा गांव विरोध कर रहा है, बच्चों को खेलने के लिए कहीं जगह नहीं है, वही पड़ती जमीन थी जो बच्चे क्रिकेट चाहे फुटबॉल खेल सकते थे। अच्छा। अब वो भी उनका बंद हो जाएगा खेलने के लिए, वहाँ कहीं जमीन नहीं है। अच्छा। इससे ऐसे प्रधान जो है विवाह घर बनवाए, चाहे पंचायत भवन बनवाए, चाहे किसी गरीब को भूमि पट्टा करके वहाँ उसका घर बने, आवास मिले, तो कहीं जमीन नहीं है उसके अलावा, इसीलिए पूरा गाँव संतुष्ट नहीं है उससे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।